हेलो एवरीवन, दिस इज विधि अग्रवाल द सिंघानिया ग्रुप्स के चैनल पे एक बार आपको फिर से मिलने आई हूँ राइडर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो राइडर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में वो क्या होते हैं। तो राइडर्स आपके एड ऑन्स होते हैं पॉलिसी में, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो आपको, एक फीचर होता है जो आपके बेस प्लान में, आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्यों ना ले रहे हो, आप टर्म प्लान ले रहे हैं, आप ट्रेडिशनल प्लान ले रहे हैं, आप यूलिप्स ले रहे हैं, आप उसमें जो है वो राइडर्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं, किसी स्पेशल या अनफोर्सिन रिस्क को एक्स्ट्रा कवर करना चाहते हैं, तो हर कंपनी के अलग अलग राइडर्स होते हैं। कुछ कॉमन भी होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हो गया आपका, और क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया। ये जनरली हम लोग सब लोग सुनते हैं, बाकी कंपनी के अपने भी राइडर्स होते हैं। मैं तो यहाँ पे आपको श्रीराम के राइडर्स के बारे में बताने क्या आई हूँ। तो श्रीराम के अपने 4 राइडर्स हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, आपका फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर राइडर। आपको श्रीराम ये 4 तरह के बेनिफिट राइडर्स के बेनिफिट जो है देती है। आपके पास इसमें ऑप्शन होता है कि आप एक राइडर लगाओ, 2 राइडर लगाओ, 4 राइडर लगाओ। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जितना भी एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हो, जो भी एक्स्ट्रा रिस्क कवर करना चाहते हो, आप जो भी फ्लेवर अपनी पॉलिसी में ऐड ऑन करना चाहते हो, आप राइडर्स के थ्रू कर सकते हो। आपको राइडर्स में ATC का भी बेनिफिट मिलता है। ये नॉर्मली आपके बेस प्लान में, आप जैसे जैसे देते हो, आपके बेस प्लान का जो भी प्रीमियम होता है उसमें से एक नॉमिनल, एक छोटा सा अमाउंट और ऐड होके आपको एक बड़ा कवरेज राइडर के रूप में मिल जाता है। जैसे अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले रहे हो तो आपका बेस प्लान में जो भी चीज़ें हैं वो चलेगा, लेकिन अगर उस स्पेसिफिक रिस्क, उस स्पेसिफिक वजह से राइडर टर्म के बीच में कुछ होता है, तो फिर आपको वो भी बेनिफिट जो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का बेनिफिट है आपके बेस प्लान के साथ साथ में, वो भी चीज़ आपको एडिशनली जो है वो मिलेगी। तो यही राइडर्स होते हैं।